नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है अनाथ। रजनी बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में रहती थी। बहुत सुंदर, शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। कहते हैं उसे अनाथ आश्रम में होली के दिन कोई छोड़ गया था। यह अनाथ आश्रम गुजरात के आसपास के एक स्टेशन के पास स्थित है। अनाथालय के संचालक कमल जी, जो रजनी की पढ़ाई लिखाई और जरूरत का खर्च दिया करते थे। बात उन दिनों की है, 18 साल पहले, जब रजनी को कोई अनाथ आश्रम के मेन डोर पर छोड़ गया था। उस वक्त कमल जी अनाथ आश्रम में ही थे। रजनी को जब उन्होंने पहली बार देखा, तभी उनके 11 साल पुराने मुकदमे का फैसला उनके फेवर में आया था। तभी से वह रजनी को भाग्यशाली मानते आए और उसका सारा पढ़ाई का खर्चा करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। यहाँ तक कि रजनी नाम की भी कमल जी ही देन थी। रजनी की कोई दोस्त नहीं थी। वह कभी कभी आईने के सामने बैठकर अपने आप से ही बातें करती थी। सोचती थी, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। मेरी माँ काकी भी मेरे पिता जैसे थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सब बातें उसके अंतर्मन को बहुत ही दुख पहुंचाती थी। आश्रम में और भी बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन रजनी का स्वभाव उनसे विपरीत था। काफी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की लड़की थी। आश्रम में रहने वाली एक बूढ़ी दादी सभी लड़कियों का ध्यान रखती थी। रजनी उनके साथ कभी कभी अपना मन हल्का कर लेती थी। आश्रम के ऑनर काफ़ी अच्छे इंसान थे। उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण आश्रम का माहौल काफ़ी अच्छा था। आश्रम के ऑनर का बेटा सोनू, जो कभी कभी अपने पिता के साथ आश्रम आ जाया करता था, उसकी नज़र एकाएक रजनी पर पड़ती है। सोनू स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था, क्योंकि बड़े बाप की औलाद था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। स्वाभाविक है कि ऐसे में बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं। सोनू ने अनाथालय में जब रजनी को देखा, उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन रजनी ने उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर सोनू कुलस गया और रजनी से बदतमीजी करने लगा। सोनू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैं चाहूँ तो तुझे जैसी लड़की को उठा कर ले के जाके तेरी औकात ही क्या है? मुझे अनदेखा करती है, मैं आश्रम के ऑनर का बेटा हूँ। रजनी बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बोलकर अंदर रूम में चली जाती है। बहुत डर जाती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसा नहीं किया। उसकी सुंदरता उसे अभिशाप लगने लगी थी, क्योंकि माँ बाप का साया सर पर नहीं और एक अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। ऊपर से वह स्वभाव की भोली थी। कॉलेज से जब आश्रम आती, तब भी कोई ना कोई कुछ भी बोल देता था। गंदे कमेंट उसके कान में गूंजते। इन बातों से वह तंग आ गई थी। यह सब सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगता है। वह टैबलेट लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है, जो कि आश्रम के सामने ही था। टैबलेट लेकर जैसे ही वह वापस आती है, सोनू वहीं रास्ते में उसके आगे आ जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। रजनी घबरा जाती है और घबराहट में उसका हाथ सोनू पर उठ जाता है। आखिर वह करती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर आसपास के लोग सभी एकत्रित हो जाते हैं और भीड़ को देखकर सोनू वापस चला जाता है। रजनी आश्रम में आकर दादी को सब बातें बताती हैं। उधर सोनू अपने पिता से रजनी के बारे में उल्टा सीधा झूठ बोल देता है कि रजनी काफ़ी बदतमीज दिमाग की लड़की है। उस पर हाथ उठाया। आश्रम से रजनी को बाहर निकाल दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि तुम 18 साल की हो गई हो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। रजनी बहुत परेशान हो जाती है, कहाँ जाए, क्या करे। यह सब बातें रजनी के दिमाग में चलने लगी और वह आश्रम छोड़ने से पहले
आखिरी बार दादी के गले लगकर बहुत रोई। दादी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कोई गलत नहीं समझना, मन छोटा करके उसने आश्रम छोड़ दिया। सुनसान सड़कों पर अकेले लाचार एक अनाथ लड़की, जिसके सर पर कोई छत नहीं, जिसकी रक्षा के लिए कोई सगा संबंधी नहीं है। रजनी एक पार्क में जाकर बैठ गई। वो सोचती है, मैं कहाँ जाऊँ, किसी को जानती भी नहीं। अपनी रिजर्व नेचर के कारण उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। बस यही दिमाग में लिए वही बेंच पर बैठी रही और सोच में पड़ गई। उसे अकेले और परेशान देखकर दो चार लड़के जो पार्क में पहले से ही थे, वह समझ जाते हैं कि लड़की अकेली और परेशान है, और उसकी परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश में जिस बेंच पर वो बैठी रहती है, धीरे से उसके पीछे आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का उसके मुंह को कसकर पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। रजनी अपने बचाव में काफ़ी कोशिश करती है। आखिर एक लड़की तीन चार लड़कों से कैसे अपने आप को बचा सकती थी। सर्दियों की रात थी, जल्दी ही अंधेरा हो जाता था। पार्क में भी करीब करीब सभी जा चुके थे। अचानक एक छोटे बच्चे ने यह सब देख लिया और जाकर अपने पापा का हाथ पकड़कर रजनी की साइड ले आया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यह बच्चा जैसे कि भगवान का भेजा हुआ रक्षक था। उन्हें देखकर वह चारों लड़के भाग गए। अकेली अनाथ लड़की समझकर उस आदमी ने रजनी को घर ले जाने को कहा। उसे विश्वास दिलाया कि मेरा भी परिवार है, तुम मेरी बहन जैसी हो। रात हो चली है, घर चलो, तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं। बाहरी समस्याओं को देखते हुए रजनी जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात तो जैसे तैसे बीत जाती है। जिनके घर में रजनी को सहारा मिलता है, वह पेशे से टीचर हैं, बड़े ही सज्जन हैं, उन्हें रजनी पर दया आ जाती है। रजनी को वह अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब ऑफर देते हैं। अनिल जी एक छोटे से स्कूल के मालिक थे, जो आठवीं तक ही था। अनिल जी को रजनी को पार्क से घर ले आए थे। रजनी 12वीं पास है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, टीचर की भूमिका अच्छे से निभाती है। अनिल जी उसे रहने के लिए उन्हीं के घर के बाहर एक खाली कमरा है, उसे रहने की अनुमति दे देते हैं। बच्चों को पढ़ाने से रजनी को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागने लगता है। अब प्रतिदिन उसे लगने लगा कि जैसे सब ठीक होता जा रहा है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। गुजरात की पॉश इलाके में प्रतिदिन स्कूल के लिए बस पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। भीड़भाड़ के कारण बस में चढ़ते वक्त रजनी का पैर फिसल जाता है। धक्का मुक्की के कारण वह काफ़ी तेजी से गिर जाती है, जिसके कारण सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है। दर्द के कारण वह बहुत चिल्लाती है। लोग उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। हड्डी टूटने की वजह से उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। हॉस्पिटल में आने के बाद अनिल जी उससे मिलने आते हैं और सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले जाते हैं। लेकिन रजनी के अंदर एक आत्मविश्वास रहता है। कहते हैं, हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण को जब पता चलता है रजनी अनाथ है, उन्हें रजनी से हमदर्दी होने लगती है। व्यवहार से सुशील इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, कुछ तो कमी ही नहीं थी उसमें, बस दुर्भाग्य से अनाथ होना उसकी नियति में था। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने रजनी को हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब पर रख लिया। मरीजों के प्रति अच्छे व्यवहार और जी जान से उनकी सेवा देखकर अरुण के मन में रजनी के प्रति हमदर्दी बढ़ती रही। धीरे धीरे
अरुण रजनी की तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन रजनी इन सभी बातों से अनजान थी। अरुण को रजनी से प्यार हो गया। अरुण काफी अमीर और संस्कारी फैमिली से थे और रजनी गरीब और अनाथ थी। लेकिन प्यार गरीबी और अमीरी नहीं देखता। अरुण जानता था कि अगर वह रजनी को प्रपोज करता है तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स मन में ही छुपा ली। कहते हैं प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है। अरुण के दिमाग में हमेशा रजनी की मासूमियत भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने हर पल छाया रहता था। आखिर वो अपनी भावनाओं को कब तक छुपाए रखता। रजनी हॉस्पिटल में एक अच्छी नर्स की तरह अपने काम में ईमानदारी और सभी के साथ सहानुभूति की भावना रखती है। दूसरी तरफ अरुण की शादी के लिए उसके माता पिता एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन अरुण को तो रजनी के अलावा कोई जस्ता ही नहीं था। दिन महीने बीतते गए। जब शादी के लिए अरुण पर प्रेशर डाला गया तब अरुण ने सोचा अब समय आ गया है। उसने घर वालों को पहले बताने की बजाय एक बार के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहा। अगले दिन हॉस्पिटल में जाने के बाद अरुण ने रजनी से कहा, रजनी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आज लंच टाइम में मेरे केबिन में आ जाना। रजनी बोली, ओके सर। कोई मुझसे गलती हो गई क्या? अरुण बोला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रजनी के दिमाग में एक डर बन गया कि कहीं यह नौकरी भी मुझसे छीन न जाए, क्योंकि आज तक उसने खोया ही था। अरुण के मन में भी एक कसमकस चल रही थी कि कैसे अचानक ही रजनी के साथ अपने मन की बात कहूँगा। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लंच टाइम में रजनी केबिन में जाती है। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? अरुण बोला, हाँ आ सकती हो। सर आपको बात करनी थी। अरुण ने कहा, बैठो लंच करते हैं। दोनों ने एक साथ बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद रजनी बोली, सर आप कुछ कहना चाहते थे? अरुण ने कहा, रजनी तुम मुझे गलत नहीं समझना, मैं कितने दिन से बात करना चाहता था लेकिन कुछ सोचकर चुप रह जाता था। रजनी बोली, सर बोलिए, आपको जो कहना है बेहिचक बोल दीजिए। रजनी अरुण की भावनाओं से अनजान थी। उसे तो बस यह डर सताया जा रहा था कि कहीं मेरी नौकरी न छिन जाए। अरुण ने हिम्मत करके रजनी का हाथ अपने हाथों में लिया। रजनी सहम गई। सर यह आप क्या कर रहे हैं? अरुण बोला, रजनी मुझे गलत नहीं समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी, क्या मुझसे शादी करोगी? रजनी बोली, लेकिन सर मैं अनाथ हूँ, मेरे साथ शादी करके आप खुश नहीं रहेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर आप कहाँ और मैं कहाँ? रजनी को यह सब अपने साथ मजाक लग रहा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की से कौन शादी कर सकता है। सर सॉरी, इतने बड़े डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकते हैं मुझसे शादी? रजनी के कुछ समझ नहीं आया, उसकी आंखें भर आई। अरुण बोला, रजनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी बड़ी खुशी के तो मैं काबिल भी नहीं। उसके समझ में नहीं आया कि वह जवाब क्या दे। वह रो पड़ती है। उसको रोता देखकर अरुण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रजनी को अरुण के स्पर्श में एक भावनापूर्ण निश्चल प्यार की अनुभूति हुई। थोड़ी देर के लिए वह अरुण की बाहों में खो गई। अरुण आखिर रजनी को अपनी भावनाएं बताकर अच्छा अनुभव किया। आखिर उसने अपने प्यार को पा लिया।
दोनों का प्यार परवान ही चढ़ने वाला था कि अचानक नियति में कुछ और ही लिखा था। उधर हॉस्पिटल से आवाज आती है कि डॉक्टर अरुण, एक केस आया है जो काफी सीरियस है। डॉक्टर अरुण पेशेंट को देखने चले जाते हैं। उधर रजनी उस सीरियस पेशेंट के साथ एक व्यक्ति को देखकर चौंक जाती है। हॉस्पिटल में रजनी सोनू को देखकर चौंक जाती है। सोनू बेहोश था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। बड़े बाप का बेटा गाड़ी तेजी से फुल स्पीड में चला रहा था। शराब में धुत एक्सीडेंट में उसका अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। जब सोनू को होश आता है वह अपना कटा हाथ देखकर बहुत ही रोता है और वह चिल्लाता है। रजनी को सोनू की हालत नहीं देखी जाती और वह उसे सांत्वना देती है, सब ठीक हो जाएगा, सोनू भगवान पर विश्वास रखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, भगवान का शुक्र समझो कि तुम बच गए। मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, एक अनाथ लड़की पर हाथ उठाया और देखो मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई, मेरा हाथ कट गया। मैंने तो तुम पर झूठा आरोप लगाकर आश्रम से भी निकलवा दिया, जबकि सारी गलती मेरी थी, मुझे मेरी सजा मिल गई। रजनी बोली, नहीं सोनू, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मेरे अंदर आत्मविश्वास आश्रम से निकल कर ही तो आया है। सोनू को सांत्वना देकर रजनी और पेशेंट देखने चली जाती है। हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद रजनी अरुण के केबिन में उसे मिलने आती है। अरुण को केबिन में नहीं देखकर उसकी आंखें चारों तरफ अरुण को ढूंढती हैं, फिर अरुण के पास कॉल करती है। हेलो सर, आप कहाँ हैं? अरुण बोला, मैं घर आ चुका हूँ, आज मन ठीक नहीं था इसलिए थोड़ी जल्दी आ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? रजनी बोली, नहीं सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरुण बोला, ओके कल मिलते हैं। अरुण को मन ही मन बहुत खुशी हुई क्योंकि रजनी ने उसके पास कॉल किया। अरुण के दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर वालों से कैसे कहे रजनी के बारे में कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरुण की मम्मी ने आवाज़ लगाई, आओ अरुण खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद आखिरकार अरुण ने हिम्मत करके बोल ही दिया कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। घरवाले पूछते हैं, कौन है वह लड़की, क्या नाम है उसका, उसके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। अरुण के मुंह से अचानक ही निकलता है, पापा वह एक अनाथ लड़की है। अनाथ लड़की संबोधन सुनकर अरुण के माता पिता शादी के लिए मना कर देते हैं। अरुण नहीं चाहता था कि घर का माहौल खराब हो क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से पालकर उसे बड़ा किया और एक डॉक्टर बनाया। अरुण काफ़ी संस्कारी था, वह चाहता था कि सब मान जाएं तभी शादी करूंगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अनाथ लड़की के लिए घर वालों को समझाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन अरुण ने ठान लिया था, शादी करूंगा तो रजनी से ही, नहीं तो नहीं करूंगा। अगले दिन होली थी इसलिए हॉस्पिटल की छुट्टी थी। आज होली है, बाहर चहल पहल है, सब होली खेल रहे हैं, ढोल की आवाज़ आ रही है, लेकिन रजनी कमरे में उदास, होली खेलना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। होली के दिन ही उसको आश्रम के बाहर छोड़ दिया गया था, वह दिन उसको अपनी माँ की याद दिलाता है। अरुण रजनी को रंग लगाने आता है लेकिन रजनी मना कर देती है, सॉरी सर मैं होली नहीं खेलती, मुझे नहीं पसंद। अरुण उसके गाल पर रंग लगा देता है, रजनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरुण बोला, देखो
कितनी सुंदर लग रही हो लाल रंग में। अरुण का प्यार पाकर रजनी जैसे अपने को खुशनसीब मानती है। रजनी के मन में भी अरुण के प्रति प्यार की भावना जागने लगती है। अरुण के बिना एक क्षण रजनी को अच्छा नहीं लगता। दिन प्रतिदिन दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। उधर अरुण के घर वाले शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, घर वाले की माने या अपने दिल की सुने। अरुण को पता था कि घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और मैं रजनी को नहीं छोड़ पाऊंगा। अरुण बहुत ही समझदार और सुलझा व्यक्ति है। उसे पता है कि रजनी का दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। और अगर मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं तो जरूर ही मुझे समझेंगे। बाकी हालातों को देखते हुए अरुण ने निर्णय लिया कि वह रजनी के साथ ही शादी करेगा और उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अरुण और रजनी एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। रजनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू देखकर अरुण उसे अपने गले से लगा लेता है। रजनी अब तुम मेरी हो, कभी यह नहीं कहना कि तुम अनाथ हो। रजनी मैंने तुम पर हमदर्दी नहीं की है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। यह सब सुनकर रजनी को खुशी का अनुभव हुआ। अरुण रजनी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर डोलबेल बजाते हैं। माँ दरवाजा खोलती है, दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उनके बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। दोनों चरण स्पर्श करते हैं। अरुण की माँ अपने पैर पीछे कर लेती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। बिना बोले अरुण अपने पापा के रूम में जाता है। रजनी के साथ और पापा के चरण स्पर्श करके अरुण बोला, मुझे माफ करना, मैंने शादी कर ली। रजनी अरुण के पिता को देखकर चौंक जाती है। वह कोई और नहीं, वही आश्रम के ट्रस्टी कमल जी हैं। कमल जी रजनी को देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। रजनी और अरुण दोनों उनके चरण स्पर्श करते हैं। कमल जी को बुरा तो लगता है कि उनके बेटे ने उनके विरुद्ध शादी की, लेकिन रजनी एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी और कमल जी उसे भाग्यशाली भी मानते हैं। अरुण के माता पिता ने रजनी को खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और अच्छे साफ नियत सरल सच्चे इंसान के साथ भगवान हमेशा होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।